हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। क्वेश्चंस को देखकर आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, लॉन्ग डिविजन मेथड से। ये स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्ट मेथड है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें समझ लीजिए कि जब इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाना होता है हमें, और पेयर कैसे बनाते हैं जल्दी से उसको समझेंगे। देखिए, जैसे पहले लिखा हुआ है 576, तो यहाँ पर जब पेयर बनाया जाएगा तो उल्टे साइड से यहाँ से एक पेयर बना लिया और यहाँ पे दूसरा पेयर बना लिया। अब यहाँ इस पेयर में तो ये अकेला नंबर है ना, इस पेयर में तो ये अकेला नंबर है। पेयर में कितने नंबर होते हैं? 2। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर 0 बना के इसका पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन बनाएंगे कैसे? उल्टा पैर बनाएंगे। लेकिन आपको ये 0 लगाने कोई जरूरत नहीं है, अगर इधर अकेला नंबर ही बच रहा है तो आप लोग अकेला नंबर यहाँ पे रख सकते हैं पैर में। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल तसल्ली के साथ देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पैर ऐसे बन गया, फिर उसके बाद आ जाएगा अगर 1444, तो इसका पेयर भी उल्टा बनेगा ऐसे और ऐसे। यहाँ पे टू नंबर्स मिल गए और यहाँ तक तो सेम। अब आते हैं 1149 में, यहाँ पेयर बनाना है तो एक पेयर 49 का, दूसरा पेयर 14 का, 1 अकेला बच गया तो 1 को ऐसे हम लोग ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये पेयर बनाना आप लोगों को आ गया होगा। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको पेयर बनाना और भी सिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नोट कर लिया 576, क्लियर। इसके बाद देखिए, हमें पेयर बनाना है तो हमने 76 का एक पेयर बना दिया, दूसरे पेयर में आ गया 5। यहाँ पे पेयर में अकेला नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप चाहें तो 0 यहाँ राइट कर सकते हैं, लेकिन 0 राइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना 0 के हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब करना क्या होता है, जैसे कि हम लोग पता कर लें स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब जैसे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 से हमने 5 को डिवाइड किया, या मान लीजिए 7 को डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स डिवाइड होता था? 2 3 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाता था, है ना। तो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते थे तो वो नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं था कि आए ही, है ना। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया 7 को, 3 आ गया। अब बाई चांस यहाँ पे अगर 9 होता तो 2 4 8 आ जाता, है ना, तब 1 बच जाता। तो देखिए आप, यहाँ पे यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर डिफरेंट है, लेकिन जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो नंबर यहाँ पर राइट करेंगे वही नंबर यहाँ पर राइट करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर इसके नियर अबाउट नंबर हमें मिलना चाहिए। बहुत समझ में आ रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चे वीडियोस देखते हैं और उससे अपनी फेयर कंप्लीट करते हैं, केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं। ऐसा करने से स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऐसा करते हो तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और ये एक ऐसा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालने का, जो आपको जब तक आप स्टडी करते रहोगे तब तक ये काम में आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। और वीडियो के लेंथ पे कभी मत जाएं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि अगर हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है तो वीडियो बड़ा हो ही जाएगा। अगर आप सोचें कि 10 मिनट 15 मिनट में हम सारा उसका बेसिक भी बता दें, क्वेश्चंस भी करा दें, तो फिर वो केवल एक खाना पूर्ति जैसा हो जाएगा, ढंग से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो की लेंथ पर मत जाइए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से करिए। क्लासेस भी जो होती है 40 मिनट्स 45 मिनट्स से 50 मिनट्स की होती है मैथमेटिक्स की, तो इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा सा। और वीडियो पे आते हैं जल्दी से। तो देखिए, पेयर बना लिया, अगर आपने यहाँ पे 1 राइट किया तो 1 यहाँ भी राइट करना पड़ेगा, तो 1 1 1 आ जाएगा। अभी तो छोटा है तो करेंगे क्या, 1 को हटा देंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब 2 लेंगे यहाँ पे, तो 2 यहाँ पर राइट किया, 2 यहाँ पर राइट किया, 2 2 4। अब आपके दिमाग में आ गया छोटा तो अभी भी है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 3 रखते हैं, देखिए 3 यहाँ पे राइट किया, 3 यहाँ पे राइट किया, 3 3 9, अब 9 आ जाएगा। अब तो ग्रेटर नंबर मिल गया ना, इसका मतलब 2 वाला जो हमारा डिसीजन था वो सही था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 राइट करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा 1। ओके, अब क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब जितना नंबर हमने ऊपर रखा था उसको इस गिवन नंबर में ऐड भी करना है, तो अब ये हो जाएगा 2 2 4, इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे पूरा पेयर कॉपी करेंगे। पहले जब हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते थे और जैसे हमें 5 दिया होता था यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए 5 1
टू दिया होता था या मान लीजिए यहाँ पे सिक्स होता तो हो जाता फाइव वन सा फाइव, सब्ट्रैक्ट कर देते वन यहाँ पे आता, वन को यहाँ पे कॉपी कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वन डिजिट कॉपी करते थे, मगर जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा का पूरा पेयर कॉपी करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, पूरा का पूरा पेयर कॉपी करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया 176। अब हमें यहाँ पर जो भी नंबर रखना है वही नंबर यहाँ पे रखना है, और यहाँ के नंबर का मल्टीप्लाई होने पे इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सोचिए, अगर आपने यहाँ पे वन रखा तो यहाँ भी वन रखना पड़ेगा। अब 41 का मल्टीप्लाई वन से होगा, अब इस टू को आप भूल जाएंगे, इस टू से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 41 का मल्टीप्लाई वन से करा देंगे तो 41 आ जाएगा, बहुत छोटा रहेगा। फिर टू रखेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, अभी बहुत छोटा है। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लोग थ्री रख के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, अभी भी काफ़ी छोटा आ रहा है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे रख के देखेंगे फोर, फोर रखेंगे तो यहाँ भी फोर रखना पड़ेगा, तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, वन सेवनटीन, 176 आगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो हो जाएगा। तो राइट कर देंगे स्टूडेंट्स इसको 576 इक्वल्स 24, मतलब 576 का स्क्वायर रूट 24 आ गया। अब आप लोगों को एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या लेके सभी में 9 टाइम्स तक चेक करना होगा, तो ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप थोड़ा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि कैसे इसको करना है और कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है 1444। अच्छा स्टूडेंट्स, बुक में यहाँ पे डिवाइड करके 24 दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहला काम पेयर बनाने का, वो हम लोगों ने कर लिया। पेयर बनाने के बाद हमने पहला नंबर देखा 14 लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जिनका स्क्वायर करने पे 14 आ जाए। हम यहाँ पे कुछ राइट भी किए दे रहे हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ओके स्टूडेंट्स, इतना जरूरी था राइट करना। 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, 1 इंटू 1, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, मतलब हम जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे और जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख दिया, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो हम लोग सीधे ये देख लेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ नंबर राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ 14 है, 1 के स्क्वायर से कोई फायदा नहीं क्योंकि 1 आएगा, 2 का स्क्वायर भी छोटा होता है, 3 का स्क्वायर भी छोटा है, 4 का स्क्वायर 16, ये तो ज्यादा हो गया ना, तो मतलब 4 नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे 3। तो राइट करते स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 3 राइट किया, यहाँ 3 राइट कर दिया तो हो गया 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 से 9 गया तो बच जाएगा 5, और हमने बताया था कि जो भी नंबर यहाँ पे रखेंगे उतना यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, इसलिए करते क्या है, यहाँ जो भी नंबर कॉपी कर रहे हैं उसको इस लाइन थोड़ा सा दूर लिखते हैं, है ना, तो जाएगा 3 3 6, और फिर एक पूरा पेयर कॉपी कर लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रख दिया जाए कि जिससे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए या इसके नियर अबाउट आ जाए। तो आप सोचिए जरा सा, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 से 1 रखेंगे तो 61 बहुत छोटा हो जा रहा है, तो कम से कम चेक करते हैं आप इस यूनिट डिजिट को फोकस करिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रख दिया जाए कि यहाँ पर और यहाँ पर रखे गए नंबर का यूनिट डिजिट 4 आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें अगर बाय चांस आपने मान लीजिए 4 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया तो यहाँ 64 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक बार जो नंबर डिवाइड में यूज हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें 4 से मतलब है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 4 4 16, तो 6 तो आया नहीं इसके यूनिट डिजिट में। आप सोचिए अगर हम इसकी जगह पे 8 रख दें, ठीक है, 8 रखने का फायदा क्या है, देखिए 8 यहाँ रखेंगे 8 यहाँ रखेंगे तो 8 और 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 से 64 आता है और 64 का यूनिट डिजिट 4 है और यहाँ भी 4 आया हुआ है, तो यहाँ रख दिया 8, तो जाएगा 8 से 64 कैरी ऑन 6, 8 6 जो 48 और 6 हो जाएगा 54, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा 0। राइट कर सकते हैं रूट में 1444 इक्वल्स 38,
स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जा रही होंगी, क्योंकि कुछ चीजें स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में ऐसी होती हैं कि जो प्रैक्टिस सही आती हैं। तो अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उनको अच्छे से देखते रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पे, रूट के अंदर है 4489। यहां पर स्टूडेंट देखिए पेयर बनाते हैं, तो अगर पेयर बनाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे पेयर, देखिए उल्टा पेयर बनाते हैं 89 यहाँ पे 44 यहाँ पे, तो हमें देखना है किस नंबर का स्क्वायर 44 के आसपास होता है। तो देखिए 8 का स्क्वायर तो 64 ज्यादा हो गया, 7 का स्क्वायर 49 भी ज्यादा हो गया, 6 का स्क्वायर 36 है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6, 6 36 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 बचेगा, और जो नंबर ऊपर लिखा था उसी नंबर को यहाँ पे इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6 6 12। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा पेयर कॉपी करेंगे तो हो जाएगा 89। अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है कि जिसका यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई होने पे 9 आ जाए। तो आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि यहाँ 3 रख दें और यहाँ भी 3 रख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 9, आप खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा आ गया। फिर देखिए 3 2 6 और 3 1 3, तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब 3 रखने से तो हमें फायदा नहीं है। अगला कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पर रख दें और उसका यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो देखिए वो होता है 7, तो 7 यहाँ पर रखिए, तो जाएगा 7 7 49, कैरी ऑन 4, 7 2 14 14 4 18, कैरी ऑन 1, 7 1 7, 7 और 1 8, देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0। और जब स्टूडेंट से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो फिर यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट में 4489 का आंसर हो गया 67। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें उसने कहा है 62 41 पेयर बनाते, देख पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, है ना। अब देखते हैं नंबर कौन सा रखना पड़ेगा, 62 लगभग में आना चाहिए, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो गया, 7 के स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, तो जाके देखिए 7 7 49, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो 12 से 9 क्या बचेगा 3, और 5 से 4 क्या बचेगा 1, यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 7 14, यहाँ पे 41 कर लेंगे कॉपी, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर लिखने पे दोनों का मल्टीप्लाई होने से इसका यूनिट डिजिट 1 मिल जाए। सोचिए अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, यहाँ पे 1 रखते हो, तो 1 1 1 और आएगा कितना 141, जो बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब इससे तो काम नहीं बनेगा। तो सोचिए एक नंबर है 9, अगर 9 आप यहाँ लिखो 9 यहाँ लिखो तो 9 9 81 होता है और उसमें 1 भी आता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कराते हैं 9 9 81, कैरी ऑन 8, 9 4 36 36 और 8 हो जाएगा 44, कैरी ऑन 4, 9 1 9 9 4 हो गया 13, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट 6241 का 79 होता है। स्टूडेंट्स आंसर ये होगा, हमेशा याद रखना जो भी ऊपर लिखा जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक डाउट अभी आपको और अगर हो रहा होगा तो अभी आगे क्वेश्चंस वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है स्टूडेंट 7056, ये है 7056। पेयर बनाएंगे पहले 56 का पेयर, फिर इधर 70 का पेयर, ओके। अब देखिए हमें फिर से ऐसी वैल्यू रखनी है कि 70 के आसपास हो, तो देखिए 9 के स्क्वायर तो 81 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो 8 यहां पर लिखेंगे, 8 यहां पर लिखेंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, और जो भी हमने वैल्यू ऊपर लिखी है उस वैल्यू को नीचे लिख देंगे तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 16, ओके। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 56 आ जाएगा कॉपी करने पे, क्योंकि हम लोग हमेशा पेयर ही कॉपी करेंगे स्क्वायर रूट निकालते समय, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू रखने पे यहाँ पे 6 आ जाए, तो देखिए 2 2 4 तो काम बनेगा नहीं, 3 3 9 बनेगा नहीं, 4 4 16, देखिए 4 रखने में उम्मीद है कि यहाँ पे 16 बन जाए, तो देखते हैं जरा 4 यहाँ पर रखा, 4 यहाँ पर रखा, 4 4 16, कैरी ऑन 1, 4 6 24 125, कैरी ऑन 2, 4 1 4 2 6, देखिए आ गया अपना भाई। तो अब आपको बार बार ऐसा देखने की जरूरत तो नहीं है कि पहले 1 रख के देखें, फिर 2 रख के देखें, फिर 3 रख के देखें, है ना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आप लोगों को इसमें सक्सेस दिला सकती है ना। अभी आप जब देखेंगे वीडियो को एक बार देखें, लगाने की कोशिश करें, नहीं समझ में आ रहा दोबारा से वीडियो को देखें, फिर लगाने की कोशिश करें,
धीरे धीरे चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। और वैसे भी आर्यस अग्रवाल में प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना। तो फिलहाल देखिए 7056 का स्क्वायर रूट आ गया 84। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें उसने दिया हुआ है 9025। यहां भी पेयर बनाते हैं, देखिए एक पेयर 25 का, दूसरा पेयर 90 का। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका मतलब 9 ही रखेंगे, 10 नहीं रख सकते, 1 से लेकर 9 तक ही ले सकते हैं फर्स्ट टाइम में। तो यहां पे 9 रखेंगे तो यहां भी 9 हो जाएगा, 9 से 81 हो गया, यहां पे सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहां 9 बच जाएगा, 9 यहां पे था तो यहां भी नोट करके ऐड कर देंगे तो 9 यहां पे 18 हो जाएगा। हम लोग कॉपी कर लेंगे 25, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहां पर हमें क्या रखना चाहिए, पता चल गया ना। चलिए हम बताते हैं जल्दी क्या रखना चाहिए। देखिए आपको लाना है 5, और 5 कब आता है भाई, 5 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट ही उसका 5 बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, कैरी ऑन 2, 5 8 40 और 2 42, कैरी ऑन 4, 5 1 5 5 4 9 आ गया एग्जैक्ट, सबट्रैक्ट कर देंगे 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 9025 का स्क्वायर रूट 95। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टूडेंट्स आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए लिखा है 11449, 11449, ठीक है। पेयर बनाते हैं मगर पेयर उल्टा ही बनाएंगे, इधर से एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा में अकेला रह गया, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। देखिए 1 के स्क्वायर 1 होता है, और उससे ज्यादा रखेंगे अगर 2 के स्क्वायर 4 तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 1, 1 के स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1, सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ बच जाएगा 0, प्लस 1 कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2। अब डिजिट कॉपी तो करेंगे नहीं, पूरा पूरा पेयर कॉपी किया तो यहाँ मिल गया स्टूडेंट्स हमें 14। अब आप सोचिए अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ भी 1 रख दिया, भाई 1 से कम तो रख नहीं सकते, तो 21 1 21। एक बात और स्टूडेंट्स, जो मिस्टेक होती है अक्सर बच्चों से वो क्या है कि 21 का मल्टीप्लाई 11 से करा देते हैं, 11 से नहीं कराना। आप सोचिए आपने इस स्टेप में 1 को रखा है ना, इसीलिए उसी से केवल आपको मल्टीप्लाई कराना और किसी से नहीं। तो देखिए अगर आपने 1 भी रख दिया तो ज्यादा हो रहा है, 1 रखने से भी ज्यादा हो रहा है, और 1 से कम तो आप रख नहीं सकते, है ना। तो अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई, चलिए उसको भी समझते जल्दी से, है क्या। देखिए जैसे 5 से आप डिवाइड करना चाहें 512 को, तो होता क्या है 5 1 5 सबट्रैक्ट कर दिया 0 आ गया, 1 कॉपी किया यहाँ पे आपने, तो कॉपी करने के बाद आपको पता चला कि 5 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करते हैं यहाँ 0 पुट कर देते हैं, फिर अगला डिजिट कॉपी करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, आपको पता चल गया कि सीधे वैल्यू अपने पे नहीं आ रहा तो आपको 0 पुट करना है। यहाँ पर आप क्या करते थे, केवल यहाँ पे कोशेंट में 0 अप्लाई करते थे, मगर यहाँ पर आपको दो जगह पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा, एक कोशेंट में तो करना ही पड़ेगा, एक यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं है। यहाँ पर क्या होता था फिर समझ लीजिए आप, जैसे 5 से आपसे कह दिया जाए कि 5 से 512 को डिवाइड करिए, कि हो जाता था 5 1 5 सबट्रैक्ट करते थे 0, 1 कॉपी करते थे तो आपको पता चलता था कि 5 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, और जब भी कोई नंबर कॉपी किया जाए और डिवाइड ना हो पाए तो उसके लिए यहाँ पे 0 पुट करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर अगला डिजिट कॉपी करते हैं, यही होता था। तो यहाँ भी वही काम करना है, मगर यहाँ पे केवल कोशेंट में हम लोग 0 पुट करते थे, यहाँ पर हमें कोशेंट के साथ साथ इस जगह पे भी 0 अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट पेयर कॉपी कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें लाना क्या है यूनिट डिजिट पर 9, और 9 कब आता है भाई 7 के स्क्वायर में या तो फिर 3 के स्क्वायर में। तो देखिए पहले 3 रख के देखते हैं फिर 7 रख के देखते हैं। अगर आपने यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखेंगे, तो 203 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 3 3 9, 0 3 2 6, ये तो बहुत छोटा हो गया भाई, इसका मतलब 3 तो नहीं आने वाला है ना, 3 तो नहीं आने वाला, तो आएगा क्या फिर, अब तो 7 आएगा भाई, तो 7 यहाँ भी रख दिया, तो क्या 7 7 14 9 और 7 2 14 इक्वल वैल्यू आगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा √11449, इसका स्क्वायर रूट मिल गया हमको 107, ये हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें उसने कहा 14161, ये हो गया 14161।
देखिए फिर पेयर बनाते हैं इसके, तो 61 का यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ 41 का और यहाँ पे केवल 1, ठीक है। फिर क्या करना है, अब आपको 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि तभी यहाँ पे डिवाइड हो पाएगा, तो 1 1 1 यहाँ पे हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 1 से 1 क्या 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब 41 कॉपी कर लिया क्योंकि पेयर ही कॉपी करेंगे हम लोग, तो अगर कम से कम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, ठीक है, तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 21 1 21 छोटा है भाई, क्या करेंगे 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 22 से कितना हो जाएगा 44, जो कि ज्यादा हो गया ना। अगर ये ज्यादा हो गया तो हम लोग अभी 1 ही रखते हैं यहाँ पे, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखेंगे, 21 1 21 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 22। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स जरा नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे तो ये है 61, क्लियर। अब हमें कुछ ऐसा रखना है कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए यहाँ रखने पे, तो देखिए अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 1 1 बहुत छोटा हो जाएगा, तो 1 रखने से आया नहीं यूनिट डिजिट, इसका मतलब नेक्स्ट यूनिट डिजिट में 1 9 रखने पे आएगा, तो 9 हमने यहाँ पुट किया, 9 यहाँ भी पुट किया, 9 9 81 कैरी ऑन 8, 9 2 18 8 26 कैरी ऑन 2, 9 2 18 18 और 2 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब हो गया √14 161 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 119 और ये हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना, ऐसी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन पे 10 ही नहीं है 19 तक क्वेश्चंस हैं, तो इनकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी पूरी तरह से जब आप लोग इसके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए 9 और 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, उन दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, उनको बिल्कुल हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे जिससे कि वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट ही 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो है 10:44, सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, पेयर बनाना, पेयर बनाते हैं उल्टा ऐसे, इस तरफ से पेयर बन गए ना। अब क्या करेंगे, हम जो नंबर यहाँ पर राइट करेंगे वही नंबर यहाँ पर राइट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, 1 1 का कितना हो गया 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ 0 बच गया, 1 ऐड कर दिया 1 1 हो गया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स बचेगा क्या 0 4। अब देखिए स्टूडेंट्स कॉपी क्या करेंगे 0 4, क्योंकि एक पेयर कॉपी करेंगे और जब आपने 0 4 कॉपी किया तो अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखें कि यहाँ भी रखें और यहाँ भी रखें, उनका मल्टीप्लाई करने पे 4 के आसपास आ जाए, तो कम से कम 1 तो रखना ही पड़ेगा आपको, 1 यहाँ भी रखेंगे तो 21 1 इस 1 से हमें कोई मतलब नहीं, 21 1 हो जाएगा 21 जो कि बहुत ज्यादा है इससे, तो हमें फिर से प्रॉब्लम आ गई कि हमने एक पेयर कॉपी भी किया और उसके बावजूद डिवाइड नहीं हो रहा, तो करेंगे क्या 10 यहाँ अप्लाई करेंगे, 10 यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद नया पेयर कॉपी कर लेंगे। अब तो देखिए स्टूडेंट सीधा क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए 2 2 4 आ रहा था, तो 2 हमने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया 2 2 4 0 और 2 2 4 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 10,404 का 102, ये हो गया इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन पे आए, उसमें दे रखा है 17956, 17956 पेयर बना दिए स्टूडेंट्स, देखिए 56 का पेयर यहाँ पे 79 का यहाँ पे और यहाँ पे 1 का पेयर बन गया, 1 यहाँ पे रखते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 0 हो जाएगा और अगला पेयर हम लोग 79 कॉपी कर देंगे। स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पहले 1 ऐड करें या यहाँ पे पहले 1 लिखें, करना आपको दोनों है, ठीक है। तो पहले आप चाहें तो ऐसा ही कर ले, 1 1 1 यहाँ नोट कर ले, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जो भी आपने ऊपर लिखा तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 9 लाना है, तो देखिए 3 यहाँ पे रख दें तो 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 रखा, यहाँ भी 3 आया, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 थोड़ा सा ही छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 बच जाएगा। अब देखिए 3 वहां पे भी लिखा था, 3 हमने यहाँ भी ऐड कर दिया, इस बात का ध्यान रखना है ठीक है। 3 हो जाएगा 23 और 3 ये हो जाएगा 26। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे 56 को, देन यहाँ पे आ गया 56 पेयर बचा तो उसको कॉपी कर लिया। अब यूनिट डिजिट हमें 6 लाना है क्योंकि लास्ट पेयर है, इसी टाइम पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, इसके बाद कुछ पेयर तो है नहीं कॉपी करने के लिए। जैसे यहाँ पे जब लोग लास्ट पे पहुंच जाते हैं, लास्ट पेयर कॉपी कर चुके होते हैं, तो हमें तब यही देखना चाहिए कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये दिमाग में हमें बिठा लेना चाहिए ठीक है। अभी फिलहाल आगे जो केसेस हैं वो चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अभी दिमाग में यही बिठाना है। जब केस चेंज होंगे तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और भरोसा रखिएगा एक एक चीज अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग ठीक है। देखिए 6 लाना, 6 कब आ सकता है 4k² पे और 6k² पे ठीक है। पहले 4 रख के देखते हैं जरा, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 4 4 16, कैरी ऑन 1, 4 6 24 125, कैरी ऑन 2, 4 2 8 8 और 2 10, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो इसका रूट राइट करते हैं स्टूडेंट्स, 17956, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 134, यही हो जाएगा इसका आंसर। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन बाद इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, तो अगर आप कमेंट करके हमें बता देंगे अपनी प्रॉब्लम तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। फिर भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पहले आप मेरी वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद उसको करना स्टार्ट करिए। करने में फिर से प्रॉब्लम आती है, फिर से देखिए, समझिए, फिर आगे वर्क करिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है आपको तो कमेंट करके जरूर हमें बताइए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा एक दूसरा चैनल है, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, उसका नाम है DRS क्लासेस ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैनल पे NCERT मैथ्स की स्टडी कराई जाती है और साइंस की भी स्टडी कराई जा रही है, और हम लोग अपनी बेहतरीन क्लासेस देने की कोशिश करते हैं, साइंस की बुक रीड भी कराते हैं, जिससे कि जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्ड को करेक्ट तरीके से प्रोनंशिएट नहीं कर पाते और उनके प्रोनंशिएशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके प्रोनंशिएशन को ठीक करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन मटेरियल मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले याद रखिएगा सब्सक्राइब करने वाली बात तो याद ही रखनी है, उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम रही है या क्वेश्चन कम समझ में आए तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा काम आने वाली है ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।